स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास टेंथ के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहां पर हिंदी गद्य खंड के महत्वपूर्ण लेखक जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इनका जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो तथा ग्रह विज्ञान एवं चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। और इन विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक आप पक्का लेकर के आओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं। जी हाँ, यदि आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब जो जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आएगा, अब कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का यहां पर आप प्रश्न संख्या 6 देख सकते हैं। 6 का के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा 3 विकल्पों में से जो आपकी बोर्ड परीक्षा में दिए होंगे, और उनसे संबंधित रचना का भी नाम लिखना होगा, जिसके लिए अब आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। इसके पहले की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न आता था 3 नंबर का आता था, लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में अब जीवन परिचय से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप यदि रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और साथ ही जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करते रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरीके से हेडिंग डालना है और आपको रेड पेन का इस्तेमाल, लाल पेन का इस्तेमाल आपको कहीं नहीं करना है। अपनी बोर्ड परीक्षा में आप काला और नीला पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, मैं आपको लगभग प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। तो यहां पर इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी जीवन परिचय। चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी के आलोचना सम्राट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इतनी चीज आपको, जहां आप देख पा रहे हैं रेड पेन से लिखा है, इस जीवन परिचय के अंतर्गत जितना भी रेड पेन से लिखा है आपको सब काले पेन से लिखना है। किस पेन से लिखना है, आप काले पेन से लिखेंगे यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा है सन, तो आपको इस तरीके से काले पेन से लिखना है सन 1884। मैंने रेड पेन से लिख दिया है और आपको काला और नीला पेन का ही प्रयोग करना है, रेड पेन का आपको कहीं भी प्रयोग नहीं करना है। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में कहां हुआ था, बस्ती जिले के अंतर्गत किस गांव में, अगोना नामक गांव में हुआ था।
और इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब इंटर की परीक्षा पास कर ली, तब इन्होंने कानूनगो की परीक्षा के लिए आवेदन किया और उस परीक्षा में भी बैठे, लेकिन क्या हुआ, उस परीक्षा में ये सफल ना हो पाए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक स्कूल में क्या हो गए, अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर, यहां पर रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने आपको बता दिया है क्या आपको ब्लैक पेन से लिखना है और क्या आपको नीले पेन से लिखना है। तो यहां पर हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा और जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तब इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का, कितने रुपए का, 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें और बिल्कुल इसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। आप जब देखेंगे कई पुस्तकों में यानी कई प्रकाशन की किताबों में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे जन्म का सन है या मृत्यु का सन है, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म स्थान सभी पुस्तकों में एक समान ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो आप जिस भी पुस्तक से आसान समझें, जिस भी किताब से आसान समझें, उसी से याद कर लें, क्योंकि अब जो जीवन परिचय आएगा, मैंने आपको बता दिया है 5 नंबर का आएगा और जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय होंगे मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप कमेंट जरूर करते रहें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सहायक संपादक रहे और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। कितने रुपए का, 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में, कब, सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोक वास हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म कहां हुआ, बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे और हिंदी शब्द सागर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सहायक संपादक भी थे और इन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जब अवकाश ग्रहण कर लिया, तब इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। और इनकी मृत्यु कब हो गई, दमा रोग से। किस रोग के कारण, दमा रोग से सन 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको रचनाएं भी लिखनी है, आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है, लेकिन यहां पर मैं आपको सभी रचनाओं को बता दूं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां से भी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, MCQ पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिनका आंसर OMR सीट में फिल करना होगा। आपको OMR सीट कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं
मैं जल्द से जल्द वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निबंध, निबंध के अंतर्गत चिंतामणि, विचार, विधि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और दूसरा है यहाँ पर आलोचना, तो आलोचना के अंतर्गत इनकी रचनाएं हैं रस, मीमांसा और त्रिवेणी। तो निबंध कौन कौन से हैं, चिंतामणि और विचार विधि, आलोचना के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं रस, मीमांसा और त्रिवेणी। तो इनकी रचनाओं को भी आप तैयार कर लें, याद कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह से यदि आपको आसान लगता है तो इसी तरह से जीवन परिचय इनका याद कर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। जय हिंद।